जय जोहर संगवारी हो। आज मैं आपके सामने कोई शिक्षक भर्ती से लेकर के कोई पढ़ाने वाला टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपला इस विश्व में, भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो परिस्थिति पैदा हुए है ओकर बारे में कुछ बात करे बरा हूँ। क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा इसकी परिस्थिति बनी हुई है, गांवों में भी बन सकती है। वहाँ पर एक सुविधा है, वहाँ पे कुछ प्रशासनिक कार्रवाई भी किया जा रहा है। लेकिन आप मतलब मैं बताना चाहूँ, गांवों में सरपंच है, पंच है, कुछ गांव के सम्मान्य नागरिकों के माध्यम से इला कुछ लॉकडाउन करेगे मतलब कोशिश करे जाते। लेकिन यहाँ पे मैं चूँकि मैं गांव से रहने वाला हूँ तो गांव की परिस्थिति बताता हूँ आपको। गांव में बहुत लोग एकदम नेगेटिव ले थे, कोई गंभीरता से नहीं ले थे। ये मन सोचते कि नहीं, ये तो शहर में होने वाला है, हमारे यहाँ गांव में नहीं आए। ये बहुत बड़े मतलब अपने आप में धोखा है। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी यहाँ निवेदन करे थे, सब जिला के कलेक्टर मना, राज्य सरकार मना निवेदन कर रहे थे, तो कुछ तो बात हुई तो आप लोग समझना है हमें, और गांव के प्रत्येक नागरिक ला भी समझना है। लॉकडाउन कुछ जैसे सामान है आपके दैनिक जीवन से जो जुड़े हुए, कुछ समय के लिए दुकान खुले रहते, लेकिन वहां भी कुछ नियम हैं। एक एक मीटर की दूरी पर बना के रखो, ग्लास लगाओ, मुँह में कपड़ा बांधो, स्कार्फ लगा सकते हो, ये सारे चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन मैं जब गांव में देखता हूँ कि रोज़ हाँका पड़ा थे कि लॉकडाउन रहना है, घर से नहीं निकलना है, फिर भी लोगन मन समझे नहीं। बड़ा आश्चर्य लगते कि घर में रहे के बजाय ये मन ठेला में जाके बैठते, दुकान में बैठे से काम मिलते पता नहीं। घर में यदि सुग्घर रखें, घर में रहो आप मन, कितना अच्छा बात है कि घर में रह के आप अपन काम कर सकते हो। घर में काम नहीं है तो आप और कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं, ओला ठेला में जा कर बैठना है, गुटखा खाना है और थूकना भी है। आपसे निवेदन है, ये सारे चीज़ें कम से कम 21 दिन तक, 14 अप्रैल तक आप मन नहीं करो तो आपके जीवन भी सुरक्षित रहे, आपके जान भी सुरक्षित रहे, आपके परिवार भी सुरक्षित रहे। ये कम से कम 14 अप्रैल तक के आप मन घर में रहो, अपन परिवार संग बिताओ। और ऐसा नहीं है कि घर से नहीं निकलना है, और ये भी कहा जाता है कि 4-5 जन में एक साथ मत बैठो, तो कई लोग ये समझते कि गांव में नहीं बैठना है तो खेत तरफ जाके बैठ जाते, ताश खेलते। और ताश खेलना मतलब एक दूसरे के हाथ, तो मतलब ताश खेलना है, पकड़ना है, ये मनोरंजन का साधन बना है। मतलब आश्चर्य लगते कि इतने पढ़े लिखे लोग इतना समझाए के बावजूद आप मन ऐसे काबर करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोग समझना है और दूसरा भी समझाना है। जैसे बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर, ओला घर से मत बाहर जान दो, लड़का मतलब बाहर, और घर में कुछ सुविधा अपनाओ, कुछ तरीका अपनाओ अपन टाइम स्पेंड करे के। लेकिन नहीं, आप मन कम से कम बात समझो, निवेदन है आपसे। आज निवेदन करे थे, कल चल के ऐसा ना हो जाए कि आपके निवेदन की जगह में आपला कुछ में कार्यवाही किया जाए आप पे, तो ये स्थिति नहीं आन देना है। और विश्व जो युद्ध जो आप चल रहे महामारी के रूप में होकर साथ देना है, खासकर अपन अपन घर में भी कम से कम अपन घर ला तो बचाओ, घर से बाहर नहीं निकल हो तो का हो जी, ये आप लोग समझना है। और कुछ ध्यान भी देना है, जैसे आप मन बाहर चल दो तो स्कार्फ लगा लो, है ना, हाथ में ग्लास लगा लो। यदि वहाँ से आत हो तो कोई जैसे कि दरवाज़ा है, खेपाट है, मतलब मत छुओ, आके सीधा अपन कपड़ा निकालो, निरमा में बोर दो और खुद नहा लो और धो लो, ओला सुखा दो, ओला घर में मत रखो, बाहर से आत हो तेला पहने हो तेला, ठीक है। हाथ बिल्कुल 2 घंटे 2.5 घंटे बिल्कुल हाथ से अच्छा से धोते रहो,
गर्म पानी बिल्कुल दिन भर पीते, ठंडा पानी के जगह गर्म पानी पियत रहो। मैं डॉक्टर नो, लेकिन जो बता थे, जो वैज्ञानिक मन बता थे, डॉक्टर मन बता थे, वो आपके समक्ष रखा था, है ना। पीते रहो, जैसे चाय है, कोल्ड मतलब आपके कॉफ़ी है, जो गर्म चीज़ है जो आप पीते हो, गर्म ठंडा पानी के जगह में आप लोग गर्म पानी पीना है। हो सकते एक नमक पानी के गरारा भी ले लो। एक कहा जाते सुनल बात है और सही बात भी है रे, कि जो कोरोना वायरस के जो संक्रमण है वो गला में रहते कुछ दिन तक, है ना, और जो कफ रहते खांसी के साथ वहाँ पे गला में जम जाते, तो ओला यदि लगातार गर्म पानी पिया तो वहाँ पे नहीं जमे। यदि कोरोना वायरस कोई मत होए ना, हमला होना भी नहीं देना, ऊपर से लड़ना है, लेकिन आपसे निवेदन है कि ऐसी गुटखा जैसे आप खात हो, आपके वह ज़रूरत बन चुके हैं, लेकिन कुछ दिन तक छोड़ दो, अच्छा बात न हुआ। अब खात हो तहन पर थूक थो वाला, तो पब्लिक में सार्वजनिक स्थान पे कम से कम मत थूको, अभी ऊपर से भी कुछ प्रभाव पड़ सकते। हाथ ला अच्छा से साफ रखो। इस और गांव के सियान मन, मैं केवल ग्रामीण एरिया के लिए बना हुआ वीडियो ला, गांव के सियान मन ला भी निवेदन है कि अपन अपन गांव ला समझा के रखो, कुछ निवेदन प्यार से समझाओ वाला कि एक जगह मत बैठे। और ये जो अपना है ना, मैं देखे हूँ, मैं खुद घूमे हूँ, तो कहीं पे लोग जो है बहरी में बैठ के जो बोले ना आप लोग मनोरंजन के साधन बना ले, एक साथ खेलते, तो ऐसा मत करो आप। एक एक मीटर की दूरी बना के रखे के मतलब है क्या पड़ी फिर वैसा, इतना समझाते हैं आप मान लाते समझो आप, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाए। तो हो सकते सब गांव में यदि ये वीडियो पहुँचा तो ही तो सब ला दिखाओ समझाओ। मैं छत्तीसगढ़ का कारण बोल रहा था कि यार छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा समझते, छत्तीसगढ़ के हमारा ना मन है, हमारा छत्तीसगढ़ बचाना है, ऐसा चीज़ तो करने लगी। और ज़्यादा जानकारी तो आप देखते ही हो, लेकिन मोट ढंग छोटी सी जानकारी हमारे गांव के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक छोटा सा जानकारी। तो आप मान ला निवेदन है, हाथ पांव जोड़ा थो कि कम से कम 14 अप्रैल तक के अपन आप लोग सुरक्षित रखो, स्वस्थ रहो और दूरी बना के रखो, यही हमारा जीत है। धन्यवाद।